बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। सरवत किचन में आप सबकी दावत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ गोभी का पराठा, तो चलिए देखते हैं। गोभी का पराठा बनाने के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम गोभी, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। और ग्रेट करने के आधा घंटा पहले मैंने इसे धो लिया था ताकि इसका पानी सूख जाए। धनिया की पत्ती, 2 टेबलस्पून आटा, नमक, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, कुछ चॉप्ड हरी मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 2.5 कप आटा लिया है। इसमें हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा नमक, और अब हम इसका डो तैयार करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। तो ये देखिए, डो हमारा तैयार है। अब इसे किसी गीले कपड़े से या किचन टॉवल को अच्छी तरह से भिंगाकर और इसे निचोड़ लेना है, और इसके ऊपर इस तरह से ढक देंगे, कवर कर देंगे इसको, और इसे अब हम रेस्ट के लिए रख देंगे। और तब तक हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम स्टफिंग तैयार करते हैं। तो ग्रेट की भी गोभी मैंने लिया, इसमें हम डालेंगे धनिया की पत्ती, हरी मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर, मिर्च आप अपने हिसाब से डालिएगा आपको जितना तीखा पसंद हो, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, अजवाइन, इसको हाथों पे लेकर इसे थोड़ा क्रश करके इसमें डालेंगे इसे। अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें नमक ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि नमक डालने से इसमें पानी आ जाएगा। तो जब पराठा बनाने की पूरी तैयारी हो जाएगी, उसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। और इसमें हम थोड़ा सा आटा मिलाएंगे सूखा, और इससे पराठे फटेंगे नहीं। तो सारी तैयारी हमारी हो गई है, इसलिए अब इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। तो स्टफिंग हमारी रेडी है, अब हम पराठा बना लेते हैं। तो ये देखिए, लगभग आधा घंटा के लिए मैंने इसे रेस्ट पर रखा। अब इसके हम बॉल्स तैयार कर लेंगे पहले। इस तरह से तो ये देखिए, सारे बॉल्स हमारे रेडी हैं। तो अब हम स्टफिंग कर लेते हैं। तो मैंने एक बॉल लिया, इसमें मैंने सूखा आटा इस तरह से लगा लिया, और इसे हाथों से इस तरह से बड़ा कर लेंगे ऐसे। सेंटर का थोड़ा मोटा रहेगा। और अब हम इसमें डालेंगे ये स्टफिंग। दो चम्मच मैंने डाल दिया है, आपको जितना पसंद आप इसमें डाल दीजिएगा। पराठा आपका बिल्कुल अच्छा बनेगा और फटेगा भी नहीं। और इसे इस तरह से ऐसे इसे पैक कर देंगे। इसमें हम सूखा आटा लगा देंगे चारों तरफ अच्छे से। तो अब हम पराठों को बेल लेते हैं। तो अच्छी तरह से हम इसमें सूखा आटा पहले लगाएंगे, और इसे पहले हाथों से थोड़ा प्रेस करेंगे। जितना हो सकेगा हम इसे हाथों से ही पहले बड़ा कर लेंगे, क्योंकि गोभी के पराठे में ध्यान रखना है कि जितना कम हो सके हम बेलन का इस्तेमाल करें। तो अभी से हम बेल लेते हैं इस तरह से। ये देखिए, इसी तरह से हम और भी पराठे अपने तैयार कर लेंगे। तो कुछ पराठे मैंने यहाँ पर बेल कर रख लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब हम पराठों को बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया एक तवा, इसे मैंने गरम कर लिया, और इसका फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। अब इसमें हम डालेंगे ये अपना पराठा।
से गोभी का पराठा भी हमारा फूल गया है और कहीं से भी ये फटा नहीं है। और क्रिस्पी करने के लिए आप इसमें और तेल डाल सकते हैं। तो ये देखिए कितना क्रिस्पी पराठा हमारा बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह से हम बाकी के पराठों को भी बना लेंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारा ज़बरदस्त सा गोभी का पराठा। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू।